यह बच्चा हमारे पास आया था तो जो इसकी पेशाब की नली है वो नॉर्मल साइड ना होके पेनिस में थोड़ी वेंट्रल साइड में थी। फिर हमने जांचे की इस बच्चे की, जिसमें हमने उसका खून चेक किया, CBC कितना है, HB कितना है, सिकलिंग कितना है, एक्सरे करवाया था, सोनोग्राफी करवाई, वायरल मार्कर की जांच की। फिर हमने उस मरीज को बताया कि उसे हाइपोस्पैडियासिस है और ये उसे बचपन से ही बीमारी थी। फिर हमने उसे ये प्रोसेस बताया कि इसे ठीक करने के लिए एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस ऑपरेशन में हम पेनिस में रास्ते से एक एक्स्ट्रा पाइप बना के, जो नॉर्मल जगह होती जहाँ से पेशाब निकलता है, हम वो करने वाले थे। हमने उन्हें समझाया, उनसे कंसेंट लिया, उसके बाद हमने इसका स्नॉटग्रास यूरेथ्रोप्लास्टी किया, जिससे उस बच्चे का जो यूरिन है वो नॉर्मल जगह से निकल सके। बच्चा अभी पूरी तरीके से हेल्दी है। उसका ऑपरेशन किए बाद फर्स्ट ऑफ day 4 हो गया है। एक दो दिन में बच्चे की कंडीशन और देखने के बाद हम उसे डिस्चार्ज करने की, ऑपरेशन हो गए से आयुष्मान कार्ड से वो बचपन रहरी से ना छोटे से लड़का है तो मोर आयुष्मान कार्ड में दे इलाज हो पैसे। अभी बच्चा मोर बढ़िया ठीक हवा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इलाज कहीं भी करवाएं, हमारे चिकित्सकों से फोन पर किसी भी बीमारी का निशुल्क परामर्श व होने वाले वास्तविक खर्च की जानकारी लेना ना भूलें।